और चलिए बात करेंगे कटनी की, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधि और मानव अधिकार का गठन किया है ताकि गरीब और मजलूमों को उनका न्याय दिलाने में वकील वर्ग अहम भूमिका निभा सके। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह कमेटी गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। शुक्ला ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपनी मांगों को पूरी करवा करके अधिवक्ताओं की सहायता करेंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग का कार्यक्रम सिंधु भवन कटनी में रखा गया था। ब्रजेश दुबे जी जो प्रभारी हैं जबलपुर से आए हुए थे, आज यहां नवनियुक्त अधिवक्ताओं का लीगल सेल के अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है और आने वाली विधानसभा को देखते हुए जो कि अन्य पार्टियों के द्वारा अनाप शनाप बातें सोशल मीडिया में किया जाता है उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी कि उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे विधि सेल के तरफ से। और मैं सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए नियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष भाई भूपेश जायसवाल जी का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। विभाग का जो कटनी जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, समस्त पदाधिकारियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से प्रदेश को किस तरह पीछे ले गई है, प्रदेश के ऊपर कर्ज का भार लाद दिया है बुरी तरह, प्रदेश का युवा बेरोजगार है। आज 20 वर्षों से प्रदेश में कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदेश में बुरी तरह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग जहाँ पर आम जनता का कार्य पड़ता है, बिना रिश्वत बिना भ्रष्टाचार के कार्य नहीं हो रहा है। आए दिन आपको समाचार मिल रहा है कि लोकायुक्त के माध्यम से कहीं का पटवारी, कहीं का सिपाही, कहीं का बाबू पकड़ा जा रहा है। इस तरह सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है।